subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पीड़ित महिला ने खुद को कोरोना बताकर भर्ती हुई मेडिकल कॉलेज में। महिला की इलाज के दौरान मौत, लेकिन कोरोना की नहीं हुई थी पुष्टि। दिल्ली से आई महिला ने खुद को कोरोना पीड़ित बताकर एम्बुलेंस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गई, लेकिन कोरोना की नहीं हो सकी पुष्टि। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के अनुसार इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के मिठाई पुरवा बरसाती निवासी माया देवी, उम्र 55 वर्ष, पत्नी राम बिहारी कुछ दिन पूर्व दिल्ली से घर आई थी। खुद को कोरोना पीड़ित बताकर एम्बुलेंस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जांच में कोरोना नहीं पाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसके हृदय में छेद है, जिसके चलते कानपुर हैलट में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भाई परिवार के लोगों ने बताया कोरोना की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन उनके हृदय में छेद होने के चलते उनकी मौत हुई है। घटना तो ये हुई कि उनकी जो है सांस उखड़ी, एकदम वो जो है एकदम जो है फिर सांस उखड़ी, फिर जो लेके गए इसमें मेडिकल में, वहाँ से रिफर कर दिया गया कानपुर। कानपुर जो है किसी तरह से भी आराम नहीं मिली, फिर वहाँ से उसने मेडिकल के लिए भर्ती किया। क्या नाम है आपका? श्याम यादव। इनका क्या नाम था? माया देवी। राम रूप। आपकी ये महिला कौन थी? माँ। इनको क्या हुआ था? कोरोना की बीमारी, कोरोना वायरस से पीड़ित थे जी। आपने कहाँ इलाज कराया? त्रिवास कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर ने क्या बताया? यहाँ से वहाँ भेज दिया गया, इसके बीमारी है कोरोना। चलिए ठीक है। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यह बताया था कि भाई इनके कुछ आया नहीं, कुछ भी मछली नहीं है, नखलाऊ ले जाओ। आज ले जाते तो भी आज देखते। कहाँ भरते थे? कानपुर में, हाईलाइट हाईलाइट। क्या नाम था इनका? माया। पता नहीं क्या।